ओदे चने चंगे ने, ओदे छोले चंगे ने, उथो ले आओ, इथो ले आओ, इंज कर लो भाई मेरे। सुबह सुबह नाश्ते में, सर्दियों में, गर्मियों में चने हर दस्तरखान की शान है। हमारे पास आधा किलो चने थे, हमने रात भर के लिए भिगो दिया, मैंने भिगो दिया सिंपल पानी में, फिर सुबह इसको वॉश कर लिया। मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं किया रात को, क्योंकि रात भर के लिए भिगोए, 12 से 13 घंटे के लिए भिगोए, इसमें शामिल कर दिया। पानी उतना डाले जिसमें, जिस बर्तन में भी आप बना रहे हैं, छोला आपका डिप हो जाए ये उतना पानी डाल। ये 2 से 3 तेज पात, ये दालचीनी के 2 टुकड़े, ये 2 बड़ी इलायची, खड़े गर्म मसाले। अब हमने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है। रात को अगर हम लगाते ये ज्यादा टेंडर हो जाते, खुल जाते। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा इस टाइम पे डाल दिया इसके अंदर। अब कलर की बात आ गई, ये हमने चाय की पत्ती ले ली, इस तरह का मलमल का कपड़ा ले लिया, इसके अंदर हम ये चाय की पत्ती 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। बांध लेके इसमें शामिल कर दिया, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसलिए शामिल करते हैं कि प्रेशर कुकर की हिफाजत रहे। कवर लगा देंगे, अब हमने इसको टेंडर करना है। इसके ऊपर रख दिया, फ्लेम हाई रहेगा, 3 से 4 मिनट के बाद चलेगा वेट इसका। उसके बाद हम इसको 10 से 12 मिनट देंगे ताकि चना टेंडर हो जाए। 5 सब्ज़ मिर्चे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 जवे लहसुन के, इनको हमने पेस्ट तैयार कर लेना है इकट्ठे, तीनों चीजों का। ये 2 चीजों को अलग अलग पेस्ट बनाना है। ये जी हमने कवर हटा दिया इसका, ये देखें इसको प्रेस करें इस तरीके से। हम इस चने को यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 कप चाय वाला कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो चुका है, व्हाइट जीरा 1 टीस्पून, और इसको हम तकरीबन 30 से 40 सेकंड कट करा लेंगे। जो हमने सब्ज मिर्चे लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था शामिल कर देंगे, 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। इस टाइम पे जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ था वो शामिल करेंगे, 4 मिनट प्याज के पेस्ट की भुनाई करेंगे। प्याज की भुनाई करने के बाद टमाटरों का जो पेस्ट तैयार किया था वो शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके जब टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, या इस तरीके से जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से अब हम इसकी भुनाई करेंगे मिसालों की। मिसाले की अच्छे से भुनाई की, कसूरी मेथी, ये सीक्रेट बताते हैं अभी, वो सीक्रेट है, आप कहते हैं बड़ा टेस्ट आ रहा है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून मसल के डाल देंगे। ये जो चने उठाएंगे मेरे नाल ही दब रहे हैं। अब चनों के साथ मिसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। चनों की भुनाई कर ली, कंडीशन आप देख लें, ये पानी उठाना है, चाय की पत्ती वाला जिसमें बॉयल किए थे ये शामिल कर देना है। अपने हिसाब से आपने इसकी ग्रेवी को सेट करना है, हमने वही पानी इसमें शामिल कर दिया और इसको 3 से 4 मिनट बॉयल आने का वेट करेंगे। इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्का सा इसको हिला देंगे इस तरीके से, ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद फ्लेम को दम वाला कर देंगे, दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए देखिए यहाँ पे ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चस्के सुभान अल्लाह, ये देखो ये ऐसे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।